हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम कंपेयर करेंगे दो बड़ी डॉग ब्रीड्स, बुल मैस्टिफ और रॉटवाइलर्स को। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड्स का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है और रॉटवाइलर्स का ओरिजिन जर्मनी से है। ये दोनों डॉग ब्रीड्स लार्ज साइज में होती है। बुल मैस्टिफ और रॉटवाइलर दोनों प्योर डॉग ब्रीड है और ये दोनों डॉग ब्रीड वर्किंग डॉग ग्रुप को बिलोंग करती है। बुल मैस्टिफ डॉग्स की हाइट मेल्स में 25 से 27 इंचेस और फीमेल्स में 24 से 26 इंचेस होती है, और रॉटवाइलर्स डॉग में मेल्स की हाइट 24 से 27 इंचेस और फीमेल्स की हाइट 22 से 24 इंचेस होती है। बुल मैस्टिफ डॉग्स में मेल का वेट 50 से 59 किलो होता है और फीमेल्स का वेट 45 से 54 किलो होता है, और रॉटवाइलर्स में मेल्स का वेट 50 से 60 किलो होता है और फीमेल्स का वेट 35 से 48 किलो होता है। बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड्स इंडिया में लगभग 15 से 25,000 रुपए के बीच मिल जाएंगे और रॉटवाइलर डॉग ब्रीड इंडिया में अराउंड 12 से 20,000 रुपए के बीच मिलती है। बुल मैस्टिफ और रॉटवाइलर डॉग ब्रीड्स दोनों ही कम शेड करते हैं और इनका कोट भी शॉर्ट होता है, जिससे कि इन दोनों ही डॉग्स की ग्रूमिंग बहुत आसान हो जाती है। बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड्स कई कोट कलर में होती है, जैसे कि रेड, फॉन, ब्रिंडल, और वहीं रॉटवाइलर्स ज़्यादातर ब्लैक एंड टैन या महोगनी कोट कलर में मिलती है। इनका और कोई कोट कलर नहीं होता। बुल मैस्टिफ और रॉटवाइलर डॉग में रॉटवाइलर डॉग बुल मैस्टिफ से ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है। AKC की पॉपुलर डॉग रैंकिंग में पता चला है कि 2016 में बुल मैस्टिफ की रैंकिंग 48 थी और वहीं रॉटवाइलर की रैंकिंग 8 थी। रॉटवाइलर्स और बुल मैस्टिफ दोनों डॉग लगभग एक ही जैसे टेम्परामेंट शो करते हैं। ये दोनों ही लॉयल, लविंग, अलर्ट, प्रोटेक्टिव होते हैं, बट रॉटवाइलर कभी कभी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डॉग लेना चाहते हैं तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है। इन दोनों ही डॉग ब्रीड्स को डेली एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये दोनों डॉग्स जल्दी से ज़्यादा वेट गेन कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से कोई एक डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। मेंटेनेंस। बुल मैस्टिफ डॉग से ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत रॉटवाइलर को पड़ती है। इन डॉग्स को हाई क्वालिटी फूड देना पड़ता है, जिससे कि इनकी मेंटेनेंस थोड़ी कॉस्टली हो सकती है। अडैप्टेबिलिटी। दोनों ही डॉग्स अपार्टमेंट में रह सकते हैं, बट बुल मैस्टिफ डॉग रॉटवाइलर से ज़्यादा अच्छे तरह से अडैप्ट कर लेते हैं। शेडिंग। दोनों ही ब्रीड्स रॉटवाइलर और बुल मैस्टिफ कम शेड करते हैं। अगर आप इन डॉग्स की रेगुलर ब्रशिंग करें तो ठीक रहेगा। ट्रेनिंग। रॉटवाइलर्स को ट्रेन करना आसान है बुल मैस्टिफ्स के मुकाबले, और अगर आपने पहले भी कोई डॉग पाला होगा तो आप इन्हें अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। बुल मैस्टिफ को ट्रेन करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज नीड्स। रॉटवाइलर्स को ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू बुल मैस्टिफ्स, तो अगर आप फिटनेस एडिक्ट हैं तो रॉटवाइलर आपके लिए अच्छे कंपेनियन डॉग बन सकते हैं। न्यू ओनर्स। इन दोनों में से कोई भी डॉग ब्रीड न्यू या फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सूटेड नहीं है, क्योंकि दोस्तों, एक तो ये लार्ज डॉग ब्रीड है और इन्हें एक्सरसाइज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन डॉग्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और अगर इन्हें सही तरह से ट्रेन ना किया गया तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। बुल मैस्टिफ डॉग्स किड्स के लिए बेटर है रॉटवाइलर के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे, और अगर आपके पास इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से कोई एक डॉग ब्रीड है तो उनके बारे में ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डॉग वर्सेस डॉग एपिसोड, जिसमें हमने कंपेयर करा बुल मैस्टिफ और रॉटवाइलर्स को। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।